SBI 9 News में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए अपने अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न में संशोधन किया। जुलाई में विपक्षी इंडिया ब्लॉक के सदस्य ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी कि ईवीएम के उपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए चुनाव आयोग को पत्र लिखा था। इसमें उठाए गए संदेहों को दूर करने के लिए चुनाव आयोग ने अपने FAQ पेज को संशोधित किया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले इंडिया गठबंधन जो कि विपक्षी गठबंधन यहाँ बना है लोकसभा चुनावों के लिए, उस मीटिंग में यहाँ एक सवाल पूछा गया था ईवीएम मशीन को लेकर और चर्चा भी तेज हुई थी कि क्या वाकई में लोकसभा का चुनाव ईवीएम मशीन से होना चाहिए। जिस लिहाज से देखा जाता है कि जब भी कोई चुनाव होता है, आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनावों में भी ईवीएम कोई गड़बड़ी को लेकर काफी ज्यादा सवाल उठे थे। कहीं देखा था कि कहीं पोलिंग बूथ पर ईवीएम मशीन काफी घंटों के लिए बंद पाई गई थी और चुनाव खत्म होने के बाद नतीजे आने के बाद सारा ठीक रहा, ईवीएम मशीन पर ही फूट कर निकलता है। इसी मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक में बातचीत हुई थी और चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया था। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर यह भी बताया है कि भारतीय ईवीएम जर्मनी में प्रतिबंधित ईवीएम से किस प्रकार अलग है, क्या वीवीपैट में प्रोग्रामाग्य मेमोरी है और क्या ईवीएम निर्माता विदेशी माइक्रोचिप निर्माताओं के साथ सॉफ्टवेयर साझा करते हैं। और बता दें आपको कि INDIA ब्लॉक ने हाल ही में 19 दिसंबर को एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें कहा गया था कि चुनाव आयोग इस पर भारतीय प्रतिनिधि मंडल से मिलने के लिए अनिच्छुक है। एक सूत्र ने यहां बताया कि चुनाव आयोग से पहले ही गठबंधन को जवाब दे चुका है। चुनाव आयोग के जवाब में अगस्त में अपलोड किए गए ईवीएम पर संशोधित FAQs का हवाला दिया गया है। संशोधित FAQ 23 अगस्त को अपलोड किए गए थे और इसमें यहाँ 76 प्रश्न शामिल थे। पिछले वर्जन में 29 प्रश्नों के लिए उत्तर दिए गए थे। इसके बाद चुनाव आयोग ने ईवीएम निर्माता दोनों कंपनियों के बारे में भी यहां पर बताया। FAQ प्रश्न पर उत्तर दिए गए नए प्रश्नों में ये है कि क्या दोनों ईवीएम निर्माता भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड गोपनीय सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को विदेशी चिप निर्माताओं के साथ साझा करते हैं और ताकि इसे ईवीएम में उपयोग किए जाने वाले माइक्रो कंट्रोलर पर कॉपी किया जा सके। अपने जवाब में इसी लिखता है कि माइक्रो कंट्रोलर्स को उच्च स्तर की सुरक्षा और उपायों के तहत BEL ECIL द्वारा उनके कारखानों के अंदर फॉर्मवेयर के साथ पोर्ट किया जाता है। इसी बीच आपको यहाँ पर बता दें कि जब यहाँ पर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी उसमें ईवीएम का मुद्दा इसलिए छेड़ा गया था क्योंकि हर चुनाव से पहले और बाद में ईवीएम का मुद्दा छेड़ता रहता है। आपको क्या लगता है, क्या लोकसभा का चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए और ये उचित होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिएगा SBI 9 News। धन्यवाद।